नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम बताते हैं आपको, पारडीएम थाना उथमन टोल प्लाजा पर एफएसटी टीम में 60 लाख की राशि जब्त की है। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता के मद्देनज़र जगह जगह पर आचार संहिता की पालना में चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जिसमें उथमन टोल प्लाजा पर भी कार्रवाई चल रही है चेकिंग की। साथ ही पारडी पुलिस थाना की टीम भी निर्वाचन आयोग की टीम एफएसटी टीम के साथ में जगह जगह पर दबिश दे रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल के निर्देश पर जिले में लगाए गए जांच दलों के विभिन्न स्थानों में से एक पारडी एम थाना क्षेत्र का उथमन टोल प्लाजा है, जहां पर एफएसटी टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये की नकद राशि बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर से गुजरात के लिए जा रही ये राशि जब्त की गई है। एफएसटी टीम और उपस्थित पुलिस टीम ने जब राशि अहर्ता को पूछताछ की और उनसे जवाब मांगा गया, तो वो ना तो किसी तरह के कागजात बता पाए, ना ही संतुष्ट पूर्वक जवाब दे पाए। इसको लेकर जब एफएसटी टीम संतुष्ट नहीं हुई तो ये राशि जब्त की गई और आगे की कार्रवाई करते हुए उन्होंने आयकर विभाग को सूचना दी और आयकर विभाग ने राशि को कानूनी रूप से सारी कार्रवाई कर राशि जब्त की। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। आइए दिखाते हैं पोस्टालिया से चंपालाल माले की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।